इतनी महंगी महंगी गाड़ियों से आ रहे हैं, किसान दिख रहे हैं आपको, और दारू की बोतलें ऐसे ऐसे रख के, जो पाँच पाँच दस दस हज़ार की दारू की बोतलें आ रही हैं, वे कहाँ से आ रही हैं? किसान पी रहे हैं क्या? किसान अपनी आराम से ज़िंदगी जीता है और किसान के पास टाइम ही नहीं है। पहली बात तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? आप भी युवा के बारे में हम कुछ नहीं बोलते। पहले मैं बोल रहा था, अब भी दोबारा बोल रहा हूँ, इतना अच्छा होता तो अपने लिए न्याय मांग रहा, वो किसी और के लिए न्याय नहीं मांग रहा। आपने बोला कि किसानों का आंदोलन चल रहा, किसानों का आंदोलन चल रहा होता तो उसको ही पता वो आंदोलन किसका है और फंडिंग कौन दे रहा। एक तरफ दिल्ली के चारों तरफ जो है वो किसान आंदोलन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में हो चुकी है राहुल गांधी की एंट्री, जो ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए हम देंगे तमाम चीज़ें और करेंगे MSP की बात, पर वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। मुद्दा ये भी है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ आंदोलन जो है वो क्या लोकसभा चुनाव पर कुछ असर डाल पाएगा, और राहुल गांधी की यात्रा पर कितने युवा जो हैं वो भरोसा करते हैं? क्या नाम है आपका? सूर्या। सूर्या जी, ये बताइए, राहुल गांधी जो हैं वो उत्तर प्रदेश पहुंच गए हैं और लगातार कांग्रेस की तरफ से कहना है कि किसानों के लिए कुछ काम नहीं हुआ है, अगर किसान बैठे हुए हैं तो उनकी राह में कीले क्यों ठोक रही है या फिर गाड़ रही है मोदी सर? फिर छोड़ के यात्रा पहुँच जाए ना न्याय यात्रा के लिए, न्याय तो उन्हीं के लिए मांग रहा है, सब लोगों के लिए न्याय मांग रहा है, तो यात्रा वहाँ उत्तर प्रदेश में क्या कर रही है? बॉर्डर पे आओ तो पहुँचो। और वो राहुल गांधी नहीं है, राहुल गांधी आप शब्द लेना भूल जाओ, क्यों? राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में बोला था कि राहुल गांधी है, ठीक, उसका नया नाम दिया। आप उसको कुछ भी बोल सकते, जैसे स्वीट होता खाने में अच्छा होता ऐसे उम्मीद, वो अच्छा इंसान है, मैं मानता हूँ अच्छा इंसान है, ऐसा अच्छा इंसान हमें नहीं चाहिए दोबारा। और बताइए, जो लोग लगातार बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, एक तरफ किसानों की बात कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ खालिस्तान की मांग हो रही है, तो क्या सच में जनता को लगता है कि वो किसान? नहीं, हमें नहीं लगता, हम किसान उनको मानते जो खेत में हैं, किसान हम उनको मानते हैं जो कभी देश को तोड़ने की बात नहीं करते, किसान और जवान दोनों को साथ लेके क्यों चलते हैं, जो देश को एक खाना पीना जो देता है वो किसान होता है, और देश की सुरक्षा करता है वो जवान होता है, वो किसान है। जैसे उन्होंने कल का बयान था उनका कि हमने भारत बंद कर दिया, कल मैं दिल्ली से लेके ऋषिकेश उत्तराखंड इतनी जगह घूम के आया हूँ, ठीक, हरिद्वार, मुझे कल कहीं कुछ बंद नहीं मिला, उसी मेरठ में गया जहाँ टिकैत का एरिया है वहाँ भी गया, वहाँ कुछ बंद नहीं था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, और हमें नहीं लग रहा ये किसान है अब की बार। पहले लगता था कि किसान है, क्यों हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हमें लगता था कि कुछ गलत हो रहा, लेकिन इनकी मांगें जैसे जैसे चेंज होती जा रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जिन्होंने संसद पे हमला किया उनको छुटवाने की बातें कर रही हैं, और उनके जिनसे 10-12 मांगों में क्या है कि 10,000 रुपये सैलरी, ऐसी ऐसी बातें, कौन सा इंसान को चाहिए 10,000 रुपये सैलरी? हमें नहीं चाहिए, किसी को पेंशन मांग रहे ना, हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए अब। और मैं तो इनको किसान मानता नहीं, किसान के नाम बदनाम मत करो, जिनको सबको पता है जो ये चीज़ मांग रहे हैं वो चीज़, जब तक हम जिंदा हैं और हमारे आने वाली पीढ़ियां जिंदा है, जब तक हमें एक और बंटवारा नहीं होने देंगे। अच्छा, ये बताइए, आप तो हरियाणा से आए हैं और हरियाणा में जिस तरीके से अम्बाला का जो बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, वहाँ पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि किसानों को दिल्ली आखिरकार क्यों नहीं आने दिया? सही रोका जा रहा है, इतना दम था तो पंजाब सरकार भी, तो वहाँ पे तो केजरीवाल की सरकार है, वहीं क्यों नहीं रोका गया? सरकार वो खिलाफ जो सरकार है ना, जो यहाँ की दिल्ली की सरकार है, दोगली सरकार है, वो वहाँ पे भी रोक सकती थी, क्यों? पता है 26 में क्या हुआ था, 26 जनवरी को क्या हुआ था, ये सबको पता है, ठीक। हम दोबारा वे चीज़ें नहीं दोहराना चाहते। उस टाइम पे कहते ना हरियाणा का आदमी भोला है कि भाई 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 कह के, कि छोटा भाई बड़ा भाई, छोटा भाई बड़ा भाई कह के, पिछली बार तो ले लिए आंदोलन में साथ में, लेकिन अब की बार हरियाणा का इंसान उनके साथ में नहीं, ना हरियाणा को आदमी साथ में उनके, आपने देखा भी होगा हरियाणा का कोई नहीं मिलेगा, सब वही मिलेंगे जो खालिस्तान के नारे लगा रहे थे, और इनसे इनके अलावा और कोई नहीं मिल रहा, जो बर्बाद बदनाम किया। मैंने बोला तो मैडम आपको थोड़ी देर पहले, वे किसान है ही नहीं जो खालिस्तान मांग रहा उनको, और अब की बार अगर ऐसा कुछ किया, ये तो हरियाणा है, जाना तो इधर का ही है। तुम पहली बात तो ये बताओ, पिछले आंदोलन में इन्होंने क्या बोला था पता है, कि हमने जरूरत नहीं थी किसी की, ये सब थे इनके, कि हमने जरूरत नहीं थी कि जबरदस्ती आए, तो अब की बार जबरदस्ती दिखा तो रहे हैं, तो घुसने नहीं दे रहे हम तो, तुम एक एक करके अंदर गाड़ियों से आ रहे हो, वो किसान थोड़ी हैं जो इतनी महंगी महंगी गाड़ियों से आ रहे हैं, किसान दिख रहे हैं आपको, और दारू की बोतलें ऐसे ऐसे रख के, जो पाँच पाँच दस दस हज़ार की दारू की बोतलें आ रही हैं, वे कहाँ से आ रही हैं? किसान पी रहे हैं क्या? किसान अपनी आराम से जिंदगी जीता है और किसान के पास टाइम ही नहीं है। पहली बात तो राहुल गांधी ये क्यों कह रहे हैं कि हम जो है वो किसानों की जो मांगे हैं वो पूरा करें? आप समझो ना इस बात को, तो और पब्लिक समझ रही है कि राहुल गांधी क्यों सपोर्ट में आया
है, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार, बातचीत करो, तो वे मांगे क्यों लेके आ रहे हो कि संसद में जिसने हमला किया उनको बाहर निकालो। वही नीलम है जो जींद की है, मैं जींद का हूँ, वही नीलम है, पहले शाहीनबाग में थी, फिर किसान आंदोलन में थी, उसके बाद यहाँ धरना हुआ पहलवानों का उसमें थी, ठीक। एक ही लड़की बार बार हर धरने में क्यों आती है ये चीज़ समझो ना, और संसद में हमला करने वाली भी वही लड़की पाई, तो ये चीज़ समझ में क्यों नहीं आ रही, लोगों को समझ में आ चुकी है। हमने सोच रखा कि सरकार ने 10 साल में हमारे लिए बहुत कुछ किया, ठीक। हरियाणा की बात बता दूं, हुड्डे की बात बता रहा हूं, वही हुड्डा है। अगर मेरी ज़मीन थी ना, साढ़े की 20 लाख की ज़मीन थी, 5 लाख रुपये में मेरी मजबूरी थी, उसको बेचनी नहीं बेचा गया तो रात भर में ठोक दिया जाता था, ऐसा काम था, पता ना गाड़ी कौन सी धक्का मार के चली गई, आदमी ख़त्म। और आज वही हुड्डा तड़फ रहा है कि भाई किस टाइम अंदर जाऊंगा, किस टाइम अंदर जाऊंगा, आज नींद नहीं आती उसको, ये चीज़ें हो रही हैं क्यों। और सपोर्ट में भी वही इंसान खड़े कि वही मैं देश का किसान जो है वो मोदी सरकार से इतनी ज़्यादा नफरत करता है, जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं कि इस बार अगर मोदी पंजाब आया तो बचकर नहीं जाएगा। रोक के दिखा दियो, किसी के बाप में दम हो ना, रोक के दिखा दियो। उस टाइम जिस टाइम पिछली गेड़े रोका था उस पुल पर, वो तो बस एक सम्मान था कि भाई हाँ प्रधानमंत्री कोई भी हो, मोदी मोदी नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी प्रधानमंत्री का काफिला रुकता है ना, ये सोच लेना, कोई ये नहीं देखा जाएगा कौन है सामने। और रही बात अब की बार आने की बात, 24 के इलेक्शन में जाएंगे हम, खुद हम भी जाएंगे वोट मांगे, रोक के दिखा दियो, किसी के बाप में दम हो तो। मोदी को उखाड़ फेंकेंगे इस बार, कहने वाले तो कुत्ते बहुत भोंकते, भोंकने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों पर। और मैं तो कह रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी के बाप ने रोक के दिखा देना, यही बात आएगी तो। गांधी के बारे में क्या कहेंगे आप भी युवा के बारे में? हम कुछ नहीं बोलते, पहले मैं बोल रहा था, अब भी दोबारा बोल रहा हूँ, इतना अच्छा होता तो अपने लिए न्याय मांग रहा, वो किसी और के लिए न्याय नहीं मांग रहा। आपने बोला कि किसानों का आंदोलन चल रहा, किसानों का आंदोलन चल रहा होता तो उसको ही पता वो आंदोलन किसका है और फंडिंग कौन दे रहा। उसके बाद जो तू अपनी उत्तर प्रदेश में करा रहा, जाओ ना बैठे ना धरने में, वैसे तो बड़ा किसानों का हमदर्द बन रहा, तो बैठ जाना धरने में, उसको पता है ना, बैठ गया तो वो टैक लग जाएगा, वो टैक लगा पहले भी इन पे, क्यों फंडिंग कहाँ से, फंडिंग इनसे आ रही है। किसानों की बात जो है वो फिर एक बार राकेश टिकैत करने लगे हैं, कल उन्होंने भारत बंद की और वो फिर मैडम आपने पता नहीं हो तो, राकेश टिकैत ने ये कहा था कि हम भारत बंद के समर्थन में हैं, लेकिन प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, सबको आने देंगे जाने देंगे, लेकिन हाँ अब की बार आपने राकेश टिकैत की थोड़ी बोल में चेंजिंग देखी नहीं देखी? वो राकेश टिकैत जा चुका, उसको पता है कि कितना उसने ज़मीन पर कब्जा कर रखा, जिनके 4-5 किले होया करते, वो आज के टाइम करोड़ों की संपत्ति लेके बैठा है। ईडी सीबीआई इसीलिए नहीं कहते कि सबके घर क्यों नहीं पहुंचती, वो सबके घर पे इन जैसों के घर पे पहुंचेगी, उसको पता है सब मिट्टी में मिल जाएगा, योगी बाबा है वहाँ। आपसे पहले एक प्रोटेस्ट की शुरुआत की गई है, तो जाहिर है कि लोकसभा चुनाव में ही जो है वो बदलाव करने के लिए की गई है, तो इस बार जनता जो है वो ये सोच के करेगी वोट के इस बार परेशान कर रखा है किसानों को, या फिर धरना प्रदर्शन का कुछ असर रहेगा? पूरी जनता, पूरी हिंदुस्तान की पब्लिक समझ चुकी है वोट कहाँ करनी है। अगर आप अगर माइक लेके बोल रहे हो तो सुरक्षित तो बोल रहे होगे, वही 2014 यही कनाट प्लेस, अगर इतनी देर आप बात कर ले होते ना, पता ना क्या हो जाता था, ठीक। वो कांग्रेस का टाइम था, ये बीजेपी का टाइम है, ये राम राज्य है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और पब्लिक को पता है वोट कहाँ डालनी है, हमने कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तो इतना कहेंगे बस 400 पार। अगर इतना किसानों को इतना दर्द हो रहा है, उन किसानों को, उन किसान, फिर बात रिपीट कर रहा हूँ, किसान नहीं है, किसान नहीं है, किसान नहीं है, वे हैं खालिस्तानी जो आते ही दिल्ली पुलिस पे हमला करते हैं, आते ही पत्थरबाजी करते हैं। अगर ऐसी चीज़ें करनी थी तो आओ आमने सामने, ये ढाल क्यों बना रहे हो किसानों को, इतना दम रखते हो अपने आप में कि इतना हम वो कर देंगे, ये कर देंगे कि पंजाब में घुसने नहीं देंगे। नक्शा बदलने में टाइम नहीं लगता, नक्शा बदलने में टाइम नहीं लगता, और चेहरा भी खोने में टाइम नहीं लगता। वही अमृतपाल है जो कहता था मैं ये कर दूंगा, दिल्ली पे कब्जा कर लूंगा, आज वो अमृतपाल कहाँ है? वो फिर ये कहेंगे पुलिस आगे, पुलिस आगे खेतों में के भागते दिखेंगे, वही करेंगे, फिर वही काम होने वाला है।